अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा लटकन बनाना। क्योंकि देखिए, लटकन जो है आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो मेन फैब्रिक की लगवाते हैं, जैसे कि हमारा ब्लाउज वगैरह है तो कहते हैं कि इसी कपड़े की बना देना मास्टर जी। तो जैसे मैंने एक ये लेस ली है इस तरीके से, और ये मैं डबल में बना रहा हूँ, ग्रीन और रेड। तो इस तरीके से ये दो पल्लों पर मैंने ये काट के चार पल्ले काटे हैं, और दो पे मैंने पेस्टिंग कर ली है। अब ये पेस्टिंग करने के बाद में, ये थोड़े से बड़े पीस हैं, इसका साइज जो है हम इस हिसाब से ले लेंगे। जैसे ये हमारा गुलाई आ रहा है, देखिए इस तरीके से ये आएगा 3.5, 3.5 बाई 3.5 इंच का होगा। तो इस तरीके से देखिए, इसको रखेंगे ऐसे इस पे, और रखने के बाद में देखिए हम ऐसे करके इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में इसको हम इस तरीके से देखिए ये निशान लगा देंगे, ऐसे चारों तरफ निशान लगा देंगे इस तरीके से। क्योंकि इससे जो है ना, ये निशान लगाने से एकदम हमारा बिल्कुल इसकी जो गुलाई है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये निशान लगा रहे हैं। आप कोई और भी चीज ले लें, जिससे कि आप कटोरी वगैरह होती है उससे निशान लगा सकते हैं। ये 3.5 बाई 3.5 इंच का है। अब इसको देखिए, चारों पल्लों को हम यहाँ से इस तरीके से काटेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से बराबर काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हम काट लेंगे। और जो हमने जो डोरी है इसकी, देखिए इस तरीके से ये दोनों डोरी बनाई है हमने अलग अलग कलर की, एक ग्रीन बनाई है और एक रेड बनाई है। इस तरीके से ये डोरी बना ली है। अब ये देखिए, ये जो लैस है, हम इसको देखिए, जैसे हमने ये इस पे ये फैब्रिक जो लिया है, हमने इस पे पेस्टिंग जो करी है, देखिए दो पीस ये हैं, दो ये हैं, एक ग्रीन और एक रेड पे हमने पेस्टिंग करी है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे करके, इसमें भी और इसमें भी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में देखिए हमने करना क्या है, इसको हमें यहाँ से रखना है ऐसे करके इसके बराबर से, और ऐसे करके सिलाई लगाते चले जाना है। जितने हमारे कंगूरे जो नजर आएंगे, उन कंगूरों पे छोड़ के बाकी हम इसमें लैस में सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, वही हमारा मार्जिन हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल आराम से सिलाई इस तरीके से लगाएंगे गुलाई से। ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे लाने के बाद में देखिए इसके ऊपर इस तरीके से इसको लैस को यहाँ पे ऐसे करके कट कर लेंगे थोड़ा सा आगे करके, और ये देखिए इसको इस तरीके से ये लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये दोस्तों मैंने दोनों में इस तरीके से लगा लिए। अब लगाने के बाद में देखिए, हमने एक निशान जो हमने जो लगाया था ऊपर की साइड में इधर, अब हम इधर लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ से इसको पलटना है। तो देखिए, ये रेड वाला है रेड में नहीं रखना है, ये रेड वाला जो है वो ग्रीन में रखना है इस तरीके से देखिए। और ये यहां से लेंगे ऐसे करके, और इसमें इस तरीके से देखिए यहां से सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरी, और यहां पे भी कर देंगे इसको पक्का, और ये सिलाई इस तरीके से देखिए ये काट देंगे। अब ये काटने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलट लेंगे इसी तरीके से। पहले हम इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं, और उसके बाद में जब दोनों पलट के फिर आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से मैंने पलट लिया है, और ये देखिए, ये यहाँ से देखिए जो हमने ये जोड़ यहाँ से छोड़ा था, जहाँ से ये बिल्कुल इस जगह से हमने इसको पलट के, और इस तरीके से हमने प्रेस लगा ली है। अब प्रेस लगाने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले जहाँ से हमने ये मुंह इसका छोड़ा था, ये खाली इस तरीके से जहाँ से पलटा है, इसको इस तरीके से बराबर ऐसे पलटेंगे, और इसको ऐसे करके रखेंगे देखिए। क्योंकि हमने धागा जो है ऊपर रेड चढ़ा रखा है, तो ऊपर रेड इस तरीके से रखेंगे और नीचे ग्रीन, और ये देखिए इसके बराबर बराबर इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये धागा इससे काट के सेम इसी तरीके से इस वाले पे भी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से ये मैंने दोनों सिलाई लगा ली हैं। ये देखिए, ये यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे करके सिलाई लग गई है। तो देखिए, अब हमें इसमें करना क्या है, हमें देखिए इसके अंदर ऐसे करके डोरी रखनी है, ये वाली, यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके डोरी रखेंगे, और एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे देखिए इसकी, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद में देखिए, क्योंकि ये डोरी जो इस तरीके से लग जाएगी, तो इसी डोरी में ही हमारी ये
अटैच रहेगी। तो इस तरीके से इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे, और जब सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको हमें यहीं से ही ऐसे करके फोल्ड करना है, और ये फोल्ड करने के बाद में देखिए हमें यहाँ से एक सिलाई इस तरीके से लगानी है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे पक्का कर देना है, और तकरीबन यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई लेके आनी है, यहाँ पर भी पक्का इस तरीके से कर देना है। अभी देखिए जब ये इस तरीके से ये पक्की हो जाएगी, फिर इसको देखिए हम इस तरीके से ओपन करेंगे। तो जब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, ये देखिए ऐसे करके, तो ये हमारा ये इस तरीके से ये लुक मारेगी। तो देखिए ये है, अब इसी तरीके से सेम जैसे हमने इसमें लगाई है, अब इस वाली में भी लगा लेंगे। तो इसमें लगाने के बाद में फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से इसकी फाइनल लुक है। इस पे हमने देखिए प्रेस भी लगा ली है। तो इस तरीके से आप अपनी लटकन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी और डिजाइनर। अब ये देखिए जैसे हमने ये एक लटकन बनाई है, तो आप इस तरीके से एक सिंगल पीस की भी ये लटकन बना सकते हैं। और इसी में ही देखिए, अब जैसे मैंने ये दो पीस बनाए ना, ये मैंने दोनों अलग अलग बनाए, अब मैं इसमें से एक पीस निकालने के बाद में इसको भी ऐसी तरीके से अटैच कर दूंगा, तो आपकी ये इस तरीके से ये लंबे में बन जाएगी डबल, जिसको हैवी लुक में चाहिए। तो देखिए जैसे कि हमारा इस तरीके से ये हो गया, तो एक तो ये हो गया, इसी तरीके से दो और बना लेते हैं, और उसके बाद में बनाने के बाद में इसको लगा देते हैं। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ से ये देखिए ऐसे करके हमने 1 इंच छोड़ के इसको हमने काट लिया है, क्योंकि देखिए अगर आप इसी तरीके से अगर बनाना चाहते हैं सिंगल वाली तो आप बना सकते हैं, अगर इसी को आप डबल में बनाना चाहते हैं तो डबल में ही बना ले, अगर आप तीन लगाना चाहते हैं तो तीन भी लगा सकते हैं। तो उसको लगाएंगे किस तरीके से, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने इस तरीके से बना लिया, बनाने के बाद में देखिए हमने ये 1 इंच से इस तरीके से काट लिए। अब ये काटने के बाद में देखिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद में आप यहाँ पे सुई से टांका भी लगा सकते हैं, जैसे सुई से आप इस तरीके से टांका लगा देंगे, या मशीन से भी। देखिए जैसे हम इसमें मशीन से इस तरीके से लगा देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसको बराबर से ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद में देखिए इसमें हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे और इसमें लगा देंगे एक सिलाई ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके। तो ये बराबर से आप सिलाई भी इस तरीके से लगाते हैं, या सुई से टांका भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। मेरा मतलब है सिर्फ आपको ये समझाना कि आप इसको इस तरीके से और भी हैवी लुक में बना सकते हैं। अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं कि डबल में या ट्रिपल में, तो आप इसको सिंगल में भी जैसे मैंने आपको पहले जो दिखाया है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। और डबल में बनाएंगे तो देखिए इसकी इस तरीके से लुक आएगी, तो ये थोड़ी सी और हैवी लुक हो जाएगी, इस तरीके से बड़ी हो जाएगी। और इस साइड से देखिए एक ग्रीन आएगी और एक रेड आएगी, मतलब ये जब इधर से दिखेगी तो ये देखिए ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया, तो इस तरीके से बहुत अच्छी लुक आएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।